हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुदीपा। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं नाथिया नवा गांव के श्रीराम वाटिका में। तो आप ये देखिए, यह है उसका एंट्री गेट यानी कि प्रवेश द्वार, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो गाइज, ये हमारे यहाँ का एक बहुत ही अच्छा घूमने का जगह है। चलिए अब मैं आपको अंदर जा कर के दिखाती हूँ। देख लीजिए, यहाँ और एक प्रवेश द्वार है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि लकड़ी से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। यहाँ सीढ़ियों से आगे जाने पर हमको मिलेगा शिव जी का मंदिर। और देखिए, श्रीराम वाटिका का लोकार्पण हुआ था 2012-13 में, और जो कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के द्वारा हुआ था। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। देख लीजिए, बेटू और मम्मी तो पहले ही चले गए हैं। तो अभी हम सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर, और साइड में देखिए कितना ज़्यादा जंगल है, और यहाँ से एक रास्ता टाइप का है। यहाँ पर ना बहुत सारे औषधीय प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ साइड में आप देख लीजिए, कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि हमारे आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं शिव जी के मंदिर में। तो देख लीजिए, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ साइड में एक हवन कुंड बना हुआ है, और यहाँ पर महाशिवरात्रि के समय पूजा वगैरह भी होती है। और ये पीछे रहा शिव मंदिर। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, जब भी कांकेर आती हूँ, कि मैं यहाँ आऊँगी, बट ना टाइम ही नहीं हो रहा था। बोलते हैं ना भगवान के यहाँ पर, जब तक आपका बुलावा ना आए आप नहीं आ सकते। तो आज मैं फाइनली आ चुकी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए, ये एक हर्बल गार्डन है जहाँ पर औषधीय पौधे लगाए गए हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर श्री राम जन्म का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियाँ और उनके चारों पुत्रों का मूर्तियाँ बनाई गई है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं चारों बालक पालने में, इस प्रसंग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा, देख लीजिए। और ईशान वन के ये जो प्रवेश द्वार के सामने, यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है, देख लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दिखा देती हूँ। ये जो ईशान वन है ना, ये जस्ट एक गोल टाइप से है। यहाँ आप जाते रहेंगे, और देख लीजिए, गोल घूमने के बाद आप पूरा लास्ट में इसी मुख्य द्वार के सामने से आपको वापस आना है। तो चलिए अब मैं आपको ले कर के चलती हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ताड़का वध का जो प्रसंग है उसका चित्रण किया गया है। चलिए आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। तो ये जगह ना थोड़ा सा ऊपर है, देख लीजिए, पत्थर पत्थर है, बट हम आसानी से आ सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर श्री राम हैं और लक्ष्मण जी हैं और उनके गुरु हैं, और सामने में है ताड़कासुर। तो आपको ये जो राम वाटिका में है, यहाँ पर राम के जीवन के जो भी मुख्य मुख्य अंश हैं, उन सभी का चित्रण देखने को मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर साइड में लिखा भी हुआ है, देख लीजिए, ताड़का वध प्रसंग बालकांड। ताड़कासुर को बेटा, चलो बेटू ना यहाँ आकर बहुत खुश है। तो हम अभी आ चुके हैं अहिल्या उद्धार के प्रसंग में। आप सभी को पता होगा कि अहिल्या जी को श्राप था। यहाँ पर अहिल्या उद्धार का जो सुंदरकांड का पाठ है वो
उसका वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। चलिए ऐसे ही आपको और भी बहुत कुछ है मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ पूरा वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर हो रहा है माँ सीता का स्वयंवर, यहाँ पर साइड में धनुष टूटा हुआ है क्योंकि परशुराम जी का जो धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया था, और श्री राम जी को माँ सीता अभी माला पहना रही है। ये देख लीजिए टूटा हुआ धनुष भी बना है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े दूर पर बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ बना हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं केवट के पास, ये है देख लीजिए केवट की नौका बनी हुई है। इस पर श्री राम लक्ष्मण और सीता माता बैठी हुई हैं। और यहाँ पर बनाया गया है श्री सीता हरण का चित्रण। बेटू देख करके डर गई इसलिए वो दौड़कर चली गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, देख लीजिए। तो यहाँ पर ना किंग कोबरा भी है, ये जो जंगल है देख लीजिए लिखा हुआ है, जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है शबरी जी की कुटिया है, और शबरी अपने हाथों से श्री राम और लक्ष्मण को अपने झूठे बैर खिला रही है, उस प्रसंग का वर्णन है। और चलिए बेटू देख लीजिए कितनी एक्साइटेड है, वो दौड़ दौड़ कर मुझसे पहले पहुंच जाती है। यहाँ पर श्री राम और जो सुग्रीव की मित्रता हो रही है उसका चित्रण किया गया है, और हनुमान जी भी हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है बाली और सुग्रीव के मध्य का युद्ध, और श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ पर ना काफ़ी कुछ है, आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखते रहिए तभी आपको सभी चीज़ का एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी सभी लोग मिलकर के माँ सीता को खोजने की योजना बना रहे हैं, उसी का बैठक चल रहा है, उसी का चित्रण किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर श्री राम की वानर सेना भी बैठी हुई है। और पंखु ना यहाँ पर बंदर देखकर बहुत खुश हो गई है, वो इसे रियल सोच रही है। श्री राम के जीवन का जितना भी चित्रण किया गया है ये थोड़ा दूर दूर पर है, आपको थोड़ा दूर पैदल चल कर के जाना पड़ता है, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। देख लीजिए बेटू सबसे पहले पहुँच जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से प्रसंग का वर्णन किया गया है। यहाँ पर माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और श्री हनुमान जी उनसे मिलने आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम जी युद्ध में जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, उसी का वर्णन है। यहाँ पर आपको लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन है, चित्रण है, देख लीजिए, इसमें लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और देख लीजिए मुझे यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा एक फूल का पेड़ दिखा तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी हैं और ये पर्वत है, और उनको संजीवनी बूटी लाना है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा संजीवनी बूटी है, तो वो पूरा पर्वत ही उठा करके ले जाते हैं। तो ऐसे थे हमारे हनुमान जी श्री राम जी के भक्त, काफी सुंदर लग रहा है ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम रावण के युद्ध का चित्रण किया गया है, ये रहे हमारे प्रभु श्री राम जी,
और ये रहे रावण। तो यहाँ पर राम जी के जीवन के सभी महत्वपूर्ण अंशों का चित्रण कराया गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भरत मिलाप हो रहा है। श्री राम जी अपने भाई भरत से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। लंका कांड का वर्णन है। रहा रामायण का अंतिम चरण, जहाँ पर श्री राम, सीता जी और उनके भाई प्रभु और हनुमान जी का चित्र बनाया गया है। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। और ये जो सामने का जगह है ना, काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ही बड़ा सा मंदिर है। तो अभी हमारा घूमना हो चुका है और अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं घर वापस। बेटू को ना घूम करके मन नहीं भर रहा, वो और भी इधर उधर जानना चाह रही है। तो गाइस, अब लोग हम अभी जा रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी लेट हो चुका है, हस्बैंड जी और मम्मी जी, बच्चे सभी आगे चल गए हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस, आज के वीडियो में यही तक। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड, मैं ऐसे ही आपके लिए और भी नए नए वीडियो लाते रहूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर। तो अभी हमारा घूमना वगैरह हो चुका है, अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। हस्बैंड जी निकल चुके हैं और मैं भी आ रही हूँ। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।